हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में प्राथमिक विद्यालय 1-5 और 6-8 के लिए जो नई नियुक्ति होने वाले है, उसी से संबंधित हम लोग ये इम्पोर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में जो नियुक्ति होने वाले है उससे संबंधित जो नई नियमावली है उसको पास कर दिया है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है और उससे संबंधित भी तथ्य हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज भी और भी बहुत सारे फैक्ट जो इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न थे सर कि इसमें कौन से छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी यहां पर छात्र बिल्कुल नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं झारखंड TGT, PGT और अन्य परीक्षाओं की, तो उनके लिए स्पेशल लाइव बैच चल रहे हैं। जितने भी यहाँ पर आपको क्लासेस हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, हमारे संस्था द्वारा जितने भी आपको सारे के सारे लाइव क्लास उपलब्ध होते हैं, जिसमें कि आप अगर अभी आप जुड़ते हैं तो स्पेशल ऑफर फीस भी आपका चल रहा है। अगर देखिएगा तो रेगुलर फीस आपका जो है ये है, लेकिन अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और ये फीस जो है आपका 15 मई तक उपलब्ध है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टोर में जाकर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सअप करके, और वहां पर जो पेमेंट है और एडमिशन है अपना लेकर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, JTET संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें कि 1-5 और 6-8 आता है, उनके लिए यहां पर नियुक्ति होने वाली है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिली है उसमें करीब 60,000 जो पद है सृजित किए गए हैं और इन 60,000 पदों पर जो है अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अब इसमें सवाल उठता है, बहुत सारे छात्र आप में से पूछे थे कि सर कि इसमें कौन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधा से यहां पर लिखा हुआ है कि जो झारखंड में टेट अभ्यर्थी है प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो टेट सफल अभ्यर्थी है उनको मौका दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र यहां पर उनका प्रश्न बनता है कि सर कि जो इसमें परीक्षा देंगे उसमें सिर्फ झारखंड में JTET क्वालिफाइड है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर CTET वाले भी कर सकते हैं, तो इसका उत्तर सीधा सा इस न्यूज़पेपर के आधार पर आप यहां पर देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो कैबिनेट ने मोहर लगाई है मंजूरी दी है उसी के आधार पर ही है। इसमें सीधा लिखा हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी है, आपको पता होगा कि अभी तक झारखंड में मात्र 2 ही बार परीक्षा ली गई है JTET की और उसमें भी नियुक्ति बहुत कम ही मतलब न के बराबर हुई है, और ये पहली बार होगा कि इतने बड़े संख्या में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और ये भी जो है आपका 2 चरण में होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुल 60,000 पदों पर मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा की नियुक्ति की जाएगी 1-5 और 6-8 के लिए, और उसमें पहले चरण में जो होगा 26,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि इसमें नियुक्ति किस तरह से होगी, तो दोनों पैरेलल होगा। जैसे कि इसमें आपको पता है कि 1-5 2 लेवल होता है, 1-5 आप JTET क्वालिफाई होंगे तो या तो 1-5 में होंगे या फिर 6-8 में होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि जो दोनों में क्वालिफाई होंगे और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एक ही में क्वालिफाई होंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम लोग जो जिस लेवल पर अप्लाई करेंगे तो क्या किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो आप जिस लेवल पर पास किए उसके आधार पर आप अप्लाई करना होगा, या तो 1-5 के लिए या फिर 6-8 के लिए, और उसमें आपको जो परीक्षा होगी उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो JTET पास अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं, और एक चीज यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो भी इसमें जितना भी सीट होगा, जैसे कि पहले चरण में 60,000 पोस्ट है उसमें पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसमें जितना भी पद होगा उसमें 50% जो होगा आपका जो सहायक अध्यापक है, सहायक अध्यापक जो पारा टीचर हैं उनके लिए जो होगा आपका रिजर्व रहेगा। और इसमें जो नियुक्ति होगी, पिछले बार हमने बताया था कि झारखंड में पहले जो होता था प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति
या तो सहायक अध्यापक होते थे जो पारा टीचर थे, और या तो सहायक शिक्षक पर नियुक्ति होती थी। सीधी नियुक्ति जो होती थी सहायक शिक्षक पर होती थी, लेकिन इस बार जो प्रावधान बनाया गया है, एक नया पद जोड़ा गया है, वो होगा सहायक आचार्य। मतलब कि जो नियुक्ति होगी आपका ये 26,000 और पहले चरण में, और टोटल जो है इसके लिए पद जो सृजित है 60,000, तो उसमें सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। मतलब कि सहायक शिक्षक से वो नीचे का पद होगा। 10 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद, 10 वर्ष में आपका एक्सपीरियंस होगा सहायक आचार्य के पद पर, तो फिर आपको प्रमोशन के द्वारा सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। ये पहले के वीडियो में भी हमने बताया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था सर कि क्या सीटेट वाले को मौका मिलेगा। अगर सीटेट वाले को आप मौका नहीं देना चाहते हैं, तो जो नए छात्र हैं जिन्होंने 2016 से वेट किया हुआ है कि जेटेट आएगा और हम उसको 125 और 628 के लिए जो भी है हमारा एलिजिबिलिटी, हम उसके आधार पर अप्लाई करेंगे और हम उसमें पास होंगे और हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो अब यहां पर सरकार इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं की है कि पहले जेटेट होगा या फिर पहले ये मेंस, मतलब कि ये एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र यहां पर, वो प्रश्न पिछले भी वीडियो में हमने आपको बताया था, तो उसमें बहुत सारे छात्र इन चीजों को लेकर पूछ रहे थे सर कि हम लोग का क्या होगा, हम तो या तो सीटेट पार्ट है, या फिर सीटेट पास हो चुके हैं, या फिर हम लोग अभी जेटेट दिए नहीं है। अब जब तक जेटेट नहीं देंगे तब तक हमको कैसे मौका मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत सारे छात्र और साथ संगठन ने आंदोलन और अन्य चीजों की बात की है, तो बिल्कुल हम उसका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि जेटेट जो के वेट में थे कि 2016 के बाद से या फिर उससे पहले से भी, और जो किसी कारण 2016 में नहीं भी दे पाए थे, वेट कर रहे थे कि जेटेट आएगा, हम उसके लिए क्वालिफाई, हम उसके लिए तैयार है, हम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अब यहां पर देख रहे हैं कि उनको नया जेटेट लिए बिना नियुक्ति की बात चल रही है, और बहुत सारे इसमें सरकार के पास प्रपोजल भी गया है और न्यूज भी गया है। देखिए अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है तो बिल्कुल हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसलिए उसके लिए आपको जो होप है आपका, उसको निराशा नहीं होना है, होप बनाए रखना है, आशा एक बनाए रखना है कि बिल्कुल हमें भी मौका मिलेगा, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए, बिल्कुल वो आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें अब किस तरह से होगा। जैसा कि हमने बताया कि जो ये नियुक्ति होगी इसमें परीक्षा लिया जाएगा, और जो जेटेट अब पास अभ्यर्थी है उनको ये मौका मिलेगा आपका। इसमें पहले भी हमने एक बार सिलेबस जो चर्चा किया था, डिटेल सिलेबस, ध्यान रखिएगा इसका अभी तक आया नहीं है। तो इसमें आपका 300 अंकों का होगा, जिसमें कि 100 अंकों के लगभग आपका जो जनजातीय और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको रखा गया, और 200 अंकों का आपका जो 125 और 628 से संबंधित व्यक्ति विषय होगा। अब उस विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं किया है। हाँ, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिए इसका जल्दी आने वाला है, हर चीज इसका क्लियर हो चुका है, और विभाग से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है इसकी नियुक्ति से संबंधित, और झारखंड सरकार ने तो झारखंड कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही आपका इसकी मंजूरी दे दिया है, तो इसकी वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं कि सर कि सिर्फ न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। देखिए हम लोग जो अपडेट करते हैं कि जो नई नियमावली बनती है उसके आधार पर यहाँ पर जो भी जेन्युइन चीजें होती हैं हम अपडेट करते हैं, चाहे वो पेपर के आधार पर हो या फिर शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो अपलोड किया जाता है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं, और वो बिल्कुल आपका जो न्यूज रहता है, जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, वही आपको उपलब्ध कराया जाता है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज होता है, और ये चीजें आपको जानना भी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज ही सरकार ने नियमावली बनाया और कल वैकेंसी निकाल देगी, उसमें समय लगता ही है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 20 साल पहले की क्या स्थिति थी, नियमावली तो उस समय बनी हुई थी लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी। अभी तो नियमावली कुछ दिन पहले बनी ही है, कुछ महीने पहले भी बनी ही है, जेटेट हो चाहे वो टेट हो या फिर आप पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, तो नियमावली बनी ही है और सारी वैकेंसी पैरेलल आ ही रही है। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं कि आखिर क्यों आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब बोलिएगा सर कि नहीं बहुत दिनों से ये चर्चा चल रहा है। देखिए ये चर्चा सीजीएल के लिए भी चल रहा था, सीजीएल के लिए, इसके अलावा जो जेएसएससी वैकेंसी अभी निकाली है, आप देखिएगा जेएसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, हम टीचर की बात नहीं कर रहे, जो जेएसएससी के द्वारा विभिन्न वैकेंसी निकाली गई है उसकी जो नियमावली बनी थी पिछले साल जून में या जुलाई में या अगस्त में, चाहे वो जो इंटर लेवल का निकाला गया, चाहे उत्पाद सिपाही का निकाला गया, चाहे सीजीएल का निकाला गया, तो जो नियमावली बन रही है, नगर पालिका का भी निकाला गया, तो जो नियमावली बनी है पिछले साल बनी थी, और उसके देखिए दिसंबर से वैकेंसी जारी होना प्रारंभ हुआ, मतलब कि उसमें भी टाइम लगा, 2 से 4 महीने 5 महीने के बाद आपका वैकेंसी बिल्कुल निश्चित आया ही है।
और बिल्कुल इसके लिए भी नियमावली बन रही है सब, या तो जनवरी में कुछ आपका नियमावली बना इसी साल के जनवरी में, जो टीजीटी पीजीटी या फिर जेटेट हो उसकी नियमावली हो, चाहे ये नियमावली हो ये कुछ दिन पहले ही बना है, तो ये भी आपका जो वैकेंसी है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद बोल सकते हैं बिल्कुल आएगी। और देखिए टीजीटी और पीजीटी की पहले ही आपका नियमावली बन चुकी है तो उसकी संभावना अब ज्यादा है कि इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने तक आपका वैकेंसी आ सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे छात्र इसको लेकर बहुत बोलते हैं सर कि नहीं सर बस ये पेपर में आता है या फिर जो बिल्कुल पेपर में भी आता है ना, तो जो ऑफिशियल न्यूज होता है उसी को वो देते हैं, कैबिनेट उसकी परमिशन देती है, क्योंकि और चीज हम लोग क्या चीज पर विश्वास रख सकते हैं, जो सरकार की एक्टिविटीज है, जो गवर्नमेंट की शिक्षा विभाग की जो एक्टिविटीज है उसके आधार पर ही हम लोग आगे तैयारी कर सकते हैं। हमारे बस में तो कुछ नहीं है कि हम उन चीजों को बदल सकते हैं या फिर उन चीजों को बहुत ही ज्यादा अपने तरफ से प्रेशर दे सकते हैं। सरकार का अपना जो नियमावली है या फिर जो विभाग का जो अपना टाइम है वो अनुसार अपना टाइम लगती ही है और उसके अनुसार लेकिन वैकेंसी आती है। बहुत सारे छात्र इसी को लेकर तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक चीज बता दें आपको, सातवीं से दसवीं जेपीएससी में भी यही हो रहा था, आप समझ सकते हैं 2016 में छठी जेपीएससी की वैकेंसी आई थी 17, 18, 19, 20, 21, मतलब कि 5 साल बीत गया तब जाकर 2021 में वैकेंसी आया, और हमेशा पेपरबाजी होता रहता आज ये वैकेंसी आएगी कल वो वैकेंसी आएगी लेकिन नहीं आया था। फाइनली जो छठा जेपीएससी क्लियर हुआ तो छठा जेपीएससी क्लियर होने के बाद वैकेंसी लाया गया था और बिल्कुल बहुत सारे छात्र उसी में भी थे कि वैकेंसी आ गया एग्जाम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, नियमावली बन गया वैकेंसी नहीं आएगी। जब नियमावली बनता है तो कुछ छात्र सोचते हैं कि सर की वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आ जाता है नोटिफिकेशन तो बोलते हैं कि सर एग्जाम नहीं होगा, लेकिन पता चलता है कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी में सब चीज हो गया, वैकेंसी भी आई, नियमावली भी बनी थी, साथ ही पीटी एग्जाम भी हुआ उसका रिजल्ट भी आया, मेंस भी एग्जाम हुआ उसका भी रिजल्ट आया, इंटरव्यू अभी चल रहा है। और जो छात्र ये सोच रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा वैकेंसी नहीं आएगी आज वो सोच ही रहे हैं कुछ नहीं कर पाए, तो आपको ये निर्णय लेना है कि आपको किस राह पर चलना है, क्योंकि यहां पर देखते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीजें जरूरी थी जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए बिल्कुल। अगर आपको टीचर का जॉब लेना है जो कि बहुत ही एक बेहतर पोस्ट होता है झारखंड में, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप देखिए 2016-17 में ये वैकेंसी आई थी, 2016-17 में भी आई थी, तो यही सी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे यही चीज र्यूमर्स वगैरह फैलाए जा रहे थे कि नहीं आएगी या फिर नहीं आएगी, पता चला कि वैकेंसी भी आई गई थी, रिजल्ट भी आ गया, और जो साथ छोत रहे थे और अपने फ्रेंड का कहना मान रहे थे, पता चला कि फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो छात्र ये बोलते हैं वो आपको समझिए कि बहका रहे हैं कि आप तैयारी ना करें, और वो खुद तैयारी करते रहते हैं। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी संस्था में या कोचिंग में ही जाकर आपको तैयारी करनी है, किसी संस्था या कोचिंग से या फिर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो आपकी मदद की जाती है कि आप इस तरह से तैयारी करें। आपको टॉपिक को समझने में, नोट्स के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हमारे द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा आपको मदद की जाती है। अब रही बात आपका कि जो तैयारी आपको करनी है, बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं लेकिन कीजिए अभी से ही, ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, तभी जाकर आप अपनी जो पोस्टिंग है या फिर जो अपनी जो नौकरी है बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल ये मौका फिर आपको कितने साल में मिलेगा उसके आप हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इसीलिए अभी जो चल रहा है बिल्कुल ये नियमावली बन रही है और हर चीज़ की वैकेंसी भी आ रही है, तो इसकी भी वैकेंसी बिल्कुल आएगी, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा हर स्तर पर जिस लेवल पर। अब बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज करते हैं सर कि हम जेटेट टीजीटी पीजीटी सब की तैयारी करें, बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप तैयारी सबकी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी एक चीज को प्राथमिकता दें। तीन रास्ते पर चलने से अच्छा है, मान लीजिए आपका डिस्टिंक्शन एक ही है शिक्षक बनना है, तो तीन रास्ते चलने से अच्छा है कि आप एक ही रास्ता पर चले। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे, मान लीजिए पीजीटी के आधार पर चल रहे थे, तो जरूरी नहीं कि उसी में आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है कि कुछ कम मार्क्स आने की वजह से उसमें दिक्कत हो, तो टीजीटी की तैयारी करें, 1-5 और 6-8 के आधार पर भी ध्यान रखें, लेकिन उसको भी टाइम दें और एक को अपना प्रिफ्रेंस रखें। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो 3-4 घंटे जो है आपका एक पर फोकस करें, जैसे पीजीटी पर ज्यादा आपको मेहनत करने पड़ते हैं, ज्यादा उसका सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक जो होते हैं प्रश्न भी होते हैं एनालिटिकल टाइप के, साइंटिफिक मेथड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आपको उन चीजों को ध्यान में रखना है। और बाकी क्या आपका टीजीटी और 1-5 में उतना ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पीजीटी को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए
टॉपिक भी डिफरेंट हो, ये चीज यहाँ पर देखने को मिलता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के 1 to 5, 6 to 8 या फिर TGT, PGT सिलेबस थोड़ा अलग अलग बनाया गया है, क्योंकि अगर आप एक के तैयारी के आधार पर सबको तैयारी नहीं कर सकते हैं, हर एक लेवल का अपना अलग अलग तैयारी ही होता है। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप पकड़ में आ जाता है तो बाकी की तैयारी करने में कम समय में भी आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे संस्था द्वारा भी यही चीज़ आपको कराया जाता है। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को बहुत सारे इसको लेकर डाउट थे, प्रश्न थे, क्योंकि अधिकतर जो कॉल या मैसेज या फिर जो भी हमें कमेंट में मिलते हैं तो उस पर लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज है और बहुत सारे लोग जो हैं कि अपना होप जो है खो बैठे हैं, जो उम्मीद है उसको भी बोलते हैं कि सर कि हम लोग उम्मीद पर बैठे हुए थे कि सर आएगी आएगी, लेकिन अभी तक आती नहीं है। लेकिन हाँ, पहले भी बोल चुके हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें प्राप्त करनी होती हैं, जो एक अच्छी चीज़ें हमें मिलती है, उसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो और जो हमें प्राप्त होता है तो उसका स्वाद ही एक बहुत ही मतलब कि लाजवाब होता है, और वो जो हमें मिलता है हमारे मतलब कि ज़िंदगी को बदल देता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वही चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करना कर रहे थे यहाँ पर, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें भी छात्र कि सर कि कल आपने बताया कि 60,000, आज बता रहे हैं कि 24,000, सर 26,000, तो ध्यान रखिएगा 60,000 की जो है ना सहायक आचार्य के पद एक ही साथ वैकेंसी नहीं आएगी, ये विभिन्न चरण में आएगी, जिसमें बोला गया है कि प्रथम चरण में 26,000 पदों पर वैकेंसी ली जाएगी, ये है चीज़ में, और यहाँ पर कुछ नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, नियुक्ति नियमावली में क्यों बदलाव किया गया? फर्जीवाड़े को लेकर। बहुत सारे ऐसे राज्य भर में शिक्षक नियुक्त हुए थे जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हो चुके थे, इसलिए झारखंड सरकार ने इसको जो नियमों की नियमावली को जो बदला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नियुक्ति होगी, अब नियुक्ति होगी तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से नियुक्ति होगी। तो सबसे पहला इसमें वही छात्र भर सकते हैं जो जेटेड क्वालिफाई है, जो अभी तक प्रावधान है। हमारी भी यही मांग है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं बिल्कुल हमारी भी ये सपोर्ट है कि सीटेट वाले भी बिल्कुल, और जो नए जेटेट, अगर सीटेट को आप नहीं एलिजिबल करते हैं तो आप नया जेटेट ले लीजिए, उसके बाद लीजिए एग्जाम, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, आप किसी एक को क्यों रोके रखेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 10th और 12th झारखंड से किए हैं वही इसमें भर सकते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जिसने मैट्रिक और इंटर स्नातक प्रशिक्षण जो या फिर जेटेट जो है अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, इसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, मतलब कि 1 to 5 के लिए अलग परीक्षा होगी जो इसमें नियुक्ति होगी, और 6 to 8 के लिए जो है अलग परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए सामान्य ज्ञान, जनजातीय एवं जो क्षेत्रीय भाषा एवं शैक्षणिक दक्षता जो है आपका उसी की परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 है उसमें विषय में जो आपका विषय है, जैसे कि 1 to 5 में तो सिलेबस ये एक जनरल बता सकते हैं कि आपका एक सामान्य ज्ञान रहेगा, जो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा रहेगा, और जो आपका शैक्षणिक दक्षता जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न रहेगा। 6 से 8 में क्या रहेगा? तो 6 से 8 में आपका विज्ञान रहेगा, जैसे कि आप विज्ञान के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, SST के शिक्षक हैं या फिर कॉमर्स के शिक्षक हैं, तो उसके आधार पर वहाँ पर विषय जो है बनाई जाएंगे, उसी के आधार पर आपको वहाँ पर सब्जेक्ट एग्जाम होगा। इसमें से किसी एक की परीक्षा होगी। शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी, राज्य में जितने वर्षों के बाद नियुक्ति होगी उस सीमा में उतनी वर्ष की छूट मिलेगी। समझ रहे? मतलब कि पिछला नियुक्ति जब हुआ था उसके आधार पर, मतलब कि अगर मान लीजिए पिछला नियुक्ति हुआ था 2016 में 2015 में, तो इतने साल का यहाँ पर छूट मिलेगा, मतलब 5 या 6 साल का छूट मिलेगा। क्लियर है? मतलब कि अगर 40 साल रखा जाता है तो कट ऑफ डेट 40 साल इस आधार आज के डेट के आधार पर नहीं होगा, बल्कि आज से 5 साल 6 साल पहले के आधार पर होगा। मतलब कि आज जिनका 45 साल एज भी है तो वो भी इसमें भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। रिजर्वेशन के लिए तो अलग अलग बेनिफिट वहां पर 2 साल 3 साल 5 साल का मिलता रहता है। क्लियर है? शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने के लिए झारखंड से इंटर और मैट्रिक जो है पास करना अनिवार्य है, जो किए हैं वही भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए प्रावधान लागू नहीं होता है, वो तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं। क्लियर है? तो ये संपूर्ण हमको चर्चा करना था, खासकर इसका सिलेबस के लेकर भी। तो ध्यान रखिएगा 1 to 5 में सामान्य ज्ञान भी रहेगा, एक जनजाति, आप वहां पर देख लीजिए, चूंकि इसमें जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का चयन पहले भी बता चुके हैं कि आपका जिले के आधार पर करना है, आपका जो जिला है उसमें से आपको एक भाषा को ले लीजिएगा। इसके अलावा जो शैक्षणिक दक्षता का परीक्षा होगा, और 6 से 8 में आपका जो विषय है, अगर आप साइंस के टीचर बनने वाले तो साइंस आपको रखना होगा, भाषा के शिक्षक बनने वाले भाषा को रखना होगा, कॉमर्स और SST के बनने वाले हैं उसमें अप्लाई करने वाले तो उसको आपको वहां पर रखना होगा 6 to 8 के लिए, वही मेंस का आपका सिलेबस होगा।
तो ये संपूर्ण हमको चर्चा करना था आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। किन्हीं और को कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और साथ ही अन्य जानकारी के लिए हम लोग और वीडियो में नए मिलते रहेंगे जैसे ही अपडेट होता है। और जो भी छात्र लाइव बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी बहुत ही कम फीस पर आप सारी क्लासेस यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर हमारी क्लासेस की होती है कि सारे के सारे लाइव क्लासेस होते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारी फैसिलिटी मिलते हैं। कॉलिंग फैसिलिटी भी होती है, क्लास के दौरान आप टीचर्स से सीधे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस क्लासेस होते हैं। और ये हमारे सारे जो बेनिफिट हैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलते हैं, कोई आपको अलग से एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता जैसे कि आपको कुछ वहाँ पर प्राइवेसी या फिर अन्य चीज़ों का खतरा हो। आपको हमारे सारे एप्लीकेशन पर ही सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती है, जो कि बहुत ही सेफ ऐप होता है और ईजी टू यूज़ होता है, आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। सारे मटेरियल टेस्ट वगैरह बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। रैंकिंग आता है कि दूसरे छात्रों के मुकाबले आपका क्या स्थान है, आपको कहाँ कहाँ डिमेरिट है, यहाँ पर आपको बदलाव करने की जरूरत है, वो सारे आपको पॉइंट ऑफ बताए भी जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे ऐप में ये है। और ध्यान रखिएगा ये फीस जो है आपका है 15 मई तक ही उपलब्ध है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, वही आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना है, स्वरूप लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टोर में जाइए, वहाँ पर आप पेमेंट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका अनलिमिटेड मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप पर उपलब्ध होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।